बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए आज मैं आपको राउंड पिलो कवर बनाना सिखाऊंगी। मैं पहले भी एक डिज़ाइन बना चुकी हूँ, आज मैं आपको एक ही फ्लावर सनफ्लावर बना के दिखाऊंगी। गाइस मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। गाइस ये देखिए पहले मैंने इसे प्रिंट किया है कार्बन से। इसको प्रिंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन बनाने से बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। राउंड पिलो कवर हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन में ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसे हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन में ही छापा है। ये देखिए इसमें ज़रूरत के पेंट, ज़्यादा सनफ्लावर में लेमन येलो और डार्क येलो यूज़ होते हैं, और उसके साथ सैप ग्रीन, और उसमें थोड़ी थोड़ी और कलर भी, अदर्स कलर्स भी देने होते हैं। तो फ़िलहाल मैंने लेमन येलो से बनाना शुरू किया है। छोटी छोटी पंखुड़ियाँ हैं इसमें, तो लेमन येलो से बनाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें डार्क येलो का शेड देना होगा, जैसा कि सनफ्लावर ओरिजिनल सनफ्लावर में जैसे होता है कलर, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ब्रश ऑप्शनल है, जो ब्रश आपको सेटिंग होता हो हाथ में वैसा ब्रश लीजिए। ये देखिए गाइस आधी तो बन चुकी है बहुत ही अच्छे से, और भी बननी बाकी है, तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं जल्दी जल्दी आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए पहले लेमन येलो का यूज़ करेंगे, फिर डार्क येलो का यूज़ करेंगे उसके ऊपर से। बहुत ही सावधानी से बनाएं ताकि बाहर नहीं निकलने पाए, तो आउटलाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, और अगर बाहर निकलता हो तो फिर पतली वाली ब्रश से आउटलाइन देना होगा, और इसे पतली वाली ब्रश से हल्का हल्का पतला पतला स्ट्रोक देना होगा डार्क येलो से। ये देखिए छोटी छोटी जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं इसमें, सब में हम पतला स्ट्रोक देंगे, बिल्कुल हल्का सा स्ट्रोक देंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जैसा कि आप जानते हैं सनफ्लावर में बहुत सारी पतली पतली पंखुड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें, तो सारी पंखुड़ियों को सजाना ज़रूरी है ताकि उसका लुक दिखने में लगे कि ये बिल्कुल भी ओरिजिनल फ्लावर है। देखिए थोड़ा सा बाहर निकल गया, और उसे आउटलाइन से घेर देंगे तो उसका भी लुक हो जाएगा। ये देखिए बीच की, इसकी बीच की जो पराग है उसे बनाएंगे। सबसे पहले हम वाइट कलर लेंगे, वाइट कलर में हम सैप ग्रीन देंगे, इसके बीच के हिस्से को हम हल्का ग्रीन बनाएंगे। इसका कलर ऐसे ओरिजिनल फ्लावर में इसका कलर तो चेंज होता रहता है, तो चूँकि ये चॉकलेटी कलर का भी हो जाता है, कत्थई कलर का, लेकिन ये इसमें ग्रीन भी रहता है, तो इसमें हम ग्रीन का यूज़ करेंगे, लाइट ग्रीन, और उसमें डार्क ग्रीन का और येलो का शेड देंगे। सबसे पहले मैंने ब्लैक से थोड़ा थोड़ा हल्का सा आउटलाइन किया है, और उसके बाद सैप ग्रीन से उसमें छोटी छोटी स्ट्रोक्स दिए हैं। ये देखिए बन गया, लेकिन इसमें येलो कलर की छोटी छोटी पॉइंट देने बाकी हैं। ये बूंदी देने से इसका लुक और भी खूबसूरत आ जाएगा। ऐसे तो हमने इसमें आउटलाइन नहीं किया है, लेकिन जहाँ कहीं लगे कि कलर बाहर आ गया है वहाँ छोटा छोटा आउटलाइन दे करके इसे कवर कर लेंगे, और सैप ग्रीन से हम इसकी पत्तियाँ बनाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं गाइस, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आया इसका,
ये ऑरेंज कलर की मैंने घुमेरिया बनाई है इसमें, और ग्रीन कलर की पत्तियाँ बनाई। ग्रीन कलर में मैंने येलो कलर का भी कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे कि पहले अगली पिछली वीडियो में मैं पत्तियों का भी लुक बना करके दिखा चुकी हूँ। बहुत सारी लीव्स मैंने बनाई थी, तो उसी डिज़ाइन के लीव्स मैंने इसमें दिए हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।